नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल संस्कृत बाई ब्रजेश गौतम पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने पिछली दो क्लास में संज्ञा प्रकरण का टॉपिक प्रारंभ किया था और संज्ञा प्रकरण की जो दो क्लास हमने अब तक पढ़ी है उनमें प्रथम क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों का परिचय प्राप्त किया था और तत्पश्चात द्वितीय क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला के विषय में जानकारियां प्राप्त की थी। संस्कृत वर्णमाला के विषय में माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हमने ये पढ़ा था कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 42 होती है। साथ ही हमने ये भी जाना था कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। साथियों, वर्णमाला में जो ये अंतर हैं पाणिनीय शिक्षा और माहेश्वर सूत्रों के बीच में, वो अंतर क्या है, ये इन दोनों में अलग अलग जो वर्णों की संख्या दी हुई है आखिरकार वो संख्या कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सारी जानकारियाँ आज हम पढ़ेंगे। ये जो माहेश्वर सूत्र और पाणिनीय शिक्षा दोनों के अनुसार वर्णों की संख्या अलग अलग है, इस क्रम में एक तीसरा बिंदु और आता है कि जो वर्तमान में NCERT का सिलेबस प्रचलित है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में, उसमें जो संस्कृत वर्णमाला की संख्या दी गई है वह संख्या इन दोनों से भी नितांत भिन्न है। अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि माहेश्वर सूत्र, पाणिनीय शिक्षा और NCERT इन तीनों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न है। तीनों के बीच वर्णमाला में क्या क्या भिन्नता है, आइए आज हम इस क्लास में संस्कृत वर्णमाला का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तीनों को आधार मानकर हम संस्कृत वर्णमाला के प्रत्येक पहलू पर गहनता से विचार करेंगे, गहनता से चर्चा करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सटीक उत्तर क्या होगा, आपके मन में वर्णमाला को लेकर कोई संशय नहीं रहे। इसलिए आज मैं इन तीनों को एक साथ लेकर वर्णमाला का तुलनात्मक अध्ययन आपको कराने जा रहा हूँ। आप सभी बड़े आनंद और तन्मयता के साथ आज की क्लास का आनंद लें। शुरुआत करते हैं, अपना टॉपिक होगा संस्कृत वर्णमाला का तुलनात्मक अध्ययन। साथियों, सबसे पहली बात कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 42 है, ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। वो 42 वर्ण कौन कौन से हैं इसको मैं फिर यहाँ पर एक समरी के रूप में रिपीट कर रहा हूँ। स्वर तो है 9, अंतस्थ वर्ण है 4, स्पर्श है 25 और ऊष्म है 4, और इनका क्रम भी यही है। माहेश्वर सूत्रों में सर्वप्रथम स्वर आते हैं, उसके बाद अंतस्थ आते हैं, उसके बाद स्पर्श आते हैं और फिर अंत में ऊष्म आते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु मैं लेता हूँ NCERT, जो वर्तमान में NCERT का पाठ्यक्रम प्रचलित है विद्यालयी शिक्षा में। उस स्कूल एजुकेशन के NCERT के संस्कृत के पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णों की संख्या 48 है, 48। ये जो 48 वर्ण इसमें दिए हुए हैं, ये 48 वर्ण कौन कौन से हैं देखिए आप, इसमें स्वरों की संख्या 9 से बढ़ाकर कर दी गई है 13। NCERT के अनुसार स्वरों की संख्या है 13। इन 13 स्वरों में इन्होंने क्या किया कि जो 5 ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ 8 स्वर हैं इन दोनों को जोड़ दिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं और प्लुत 8 या 9 होते हैं, तो इन्होंने 8 और 5 दोनों को अर्थात ह्रस्व और दीर्घ को जोड़ करके स्वरों की कुल संख्या कर दी 13। इसके बाद इन्होंने 4 अंतस्थ वर्ण लिए और चारों अंतस्थ वर्ण आप जानते हैं ये व र ल, तो 13 और 4 कितने हुए 17, और इसके अलावा इन्होंने लिए 25 स्पर्श वर्ण, 17 और 25 ये टोटल वर्ण हो गए 42। इसके बाद 4 ऊष्म स स स 42 और 4 46 और 2 अयोगवा वर्ण, 46 और 2 48, 2 अयोगवा में एक अनुस्वार और एक विषर्ग। इस प्रकार से 48 वर्णों की NCERT के अनुसार वर्णमाला निर्धारित की गई है। अब हम बात करें पाणिनीय शिक्षा की,
पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या है 63 या 64। इसका उल्लेख हमने पिछली क्लास में भी किया था और पिछली क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको पाणिनीय वर्णमाला का गहनता से विस्तार करके समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आज की क्लास में अपनी जो वर्णमाला होगी, अपना जो मुख्य ध्येय होगा वो होगा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्णों का विस्तार से और गहनता से परिचय प्राप्त करना। तो आइए हम पाणिनीय वर्णमाला के अनुसार आज गहनता से 63 या 64 वर्णों के विषय में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इतना ध्यान रख लीजिएगा, यदि माहेश्वर सूत्राणाम अनुसारेण संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा भवन्ति, यदि ये प्रश्न बनता है तो आपका बिना किसी संशय के उत्तर होना चाहिए 42। यदि प्रश्न बनता है कि पाणिनीय शिक्षाया अनुसारम संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा भवन्ति, तो आपका उत्तर होना चाहिए 63 या 64। और यदि ये प्रश्न आता है कि एनसीईआरटी इत्यस्य अनुसारम संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति, तो आपका उत्तर होना चाहिए 48। यदि ये तो तीन प्रश्न हुए, चौथा प्रश्न, यदि किसी संस्था का एनसीईआरटी हो या अन्य कोई संस्था हो, किसी संस्था का नाम प्रश्न में नहीं दिया हुआ, न किसी ग्रंथ का नाम दिया हुआ, न तो आपसे ये पूछा कि एनसीईआरटी के अनुसार, न आपसे ये पूछा कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, और न आपसे ये पूछा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, अपितु एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा भवंती, तब फिर आपका उत्तर क्या होगा, किसी भी ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया। यदि इनमें से किसी का उल्लेख कर दिया तब तो उत्तर देना आसान है, जिसका उल्लेख किया है उसी के अनुसार हम उत्तर लगा देंगे। लेकिन यदि किसी का उल्लेख नहीं किया गया है तो साथियों आपका उत्तर होना चाहिए 42, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। चौथा प्रश्न हुआ, यदि किसी बुक का या राइटर का या संस्था का नाम नहीं दिया हुआ है तो आपका उत्तर होगा 42। पांचवा प्रश्न, पांचवी स्थिति क्या बन सकती है आपके सामने, यदि प्रश्न आया संस्कृत वर्णमालायाम वर्णानाम संख्या का वर्तते, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है। अब आप 42 लगाओगे, आप सोच के गए थे, लेकिन स्थिति यह बनती है कि वहां पर चारों विकल्प जो आपके सामने विद्यमान हैं उनमें से किसी में भी 42 उपलब्ध नहीं, 42 का कोई विकल्प ही नहीं है। यदि विकल्प 46, 48, 52, 58, ऐसी स्थिति में फिर आपको वर्णों की संख्या लगानी है 48। 63 हैं, 42 है तो 42, 42 नहीं है तो 63 या 64, और 63 या 64 भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको लगानी है 48। ये तीनों के आधार पर किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या स्थिति आपके सामने बन सकती है परीक्षा में, और किस स्थिति से कैसे निपटना है, उसका कैसे सटीक उत्तर दे करके हमें प्राप्तांक पूरे में से पूरे प्राप्त करने हैं, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बारीकी से बताई है। आप ध्यान रख लेना, जैसा प्रश्न हो वैसा ही उत्तर होना चाहिए, अपना उद्देश्य है अपना प्रश्न सही जाना चाहिए, चाहे एग्जामिनर प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछे, ठीक है। ये तो बात हुई इन तीनों के तुलनात्मक अध्ययन की। अब हम हमारा पूरा जो आज का लेक्चर होगा उसको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला की तरफ मोड़ते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला का हम गहनता से आज अध्ययन करते हैं। तो अब हम लेते हैं कि जो पाणिनीय शिक्षा है उस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो 63 या 64 वर्ण बताए गए हैं वो 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं, आचार्य पाणिनीय ने किस प्रकार से उनका विभाग किया है, उनका विभाजन किया है, लीजिए हम विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो 63 या 64 संख्या बताई गई है पाणिनीय शिक्षा में उसका एक पद्य है। सबसे पहले हम उस संबंधित पद्य को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वर्णों के विभाजन की तरफ चलते हैं। इसके पक्ष में क्या प्रमाण है कि पाणिनीय शिक्षा में आचार्य पाणिनीय ने वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई है। सबसे पहले
देखिए आचार्य पाणिनि ने कहा है कि त्रिषष्टि चतु षष्टिर्वा, त्रिषष्टि चतु षष्टिर्वा वर्णाः शंभु मते मता। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा शंभु मते मता। और आगे कहा है कि संस्कृते प्राकृते चापि, संस्कृते प्राकृते चापि वर्णाः प्रोक्ताः स्वयंभुना। ये एक पद्य है जो हमने पाणिनीय शिक्षा से लिया। पाणिनीय शिक्षा में ये कहा है कि शंभु मते, अर्थात शंभु के मत में। शंभु से तात्पर्य शिव, शिव ही पाणिनीय व्याकरण के प्रयोक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, प्रवर्तक हैं। ये जो शंभु मते, शंभु के मत में अर्थात शिव के मत में त्रिषष्टि, त्रेसठ या चतुष्षष्टि, चौसठ वर्णामता वर्ण माने गए। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? त्रेसठ या चौसठ। ये जो त्रेसठ या चौसठ वर्ण है, संस्कृते प्राकृते चापि, संस्कृत भाषा में तो त्रेसठ या चौसठ वर्ण होते ही है, लेकिन प्राकृते चापि प्राकृत भाषा में भी वर्णों की संख्या त्रेसठ या चौसठ ही होती। प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा का ही विकृत रूप है। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा से पाली भाषा का निर्माण और पाली भाषा से भी प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ, तो प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या में कोई अंतर नहीं है। दोनों में वर्णों की संख्या आपको लगानी है त्रेसठ या चौंसठ। यहाँ पर एक बात और कि त्रेसठ या चौंसठ वर्ण होते हैं, लेकिन ये त्रेसठ या चौंसठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ से अपनी क्लास उस चीज की तरफ बढ़ रही है जो चीज पढ़ाने के लिए आज का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था। यहां से आप बड़े ध्यान पूर्वक और तन्मयता के साथ पढ़ना। मैं यहां पर पाणिनीय वर्णमाला का पूर्ण रूप से आपको विश्लेषण बताने जा रहा हूं, परिभाषा के साथ और कारण के साथ, कौन कौन से वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, कौन से वर्ण यम कहलाते हैं, कौन सा वर्ण दुस्पृष्ट कहलाता है, कौन से वर्ण पराश्रित कहलाते हैं। ये जो पाणिनीय वर्णमाला का सूक्ष्म विवेचन है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं वो उद्धरण देता हूँ पाणिनीय शिक्षा का जिसमें पाणिनीय वर्णमाला का विश्लेषण किया गया है, पाणिनीय वर्णमाला का विभाजन किया गया है। पाणिनीय शिक्षा में दो पद्य आते हैं, उन पद्यों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि पाणिनीय वर्णमाला में त्रेसठ या चौसठ वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसमें कहा है कि स्वरा विंशति रेकश्च, स्वरा विंशति रेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति, स्वरा विंशति रेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति। और इसी पद्य की द्वितीय पंक्ति है यादयश्च स्मृता, यादयश्च स्मृता हेष्टौ ही अष्टौ, यण संधि हो रही, यादयश्च स्मृता हेष्टौ। और फिर आगे कहा है कि चत्वारश्च यमाः स्मृता, ये एक पद्य हुआ। इसके अलावा एक और पद्य है जिससे पाणिनीय वर्णमाला पूर्ण होती है, उसमें कहा है कि अनुस्वार विसर्गस्य, अनुस्वार विसर्गस्य कहपौ च
चापी पराश्रितो। अनुस्वार विसर्गस्य कपौ चापि पराश्रितो। और इसकी अंतिम पंक्ति है कि दुस्पृष्टश्चेति विज्ञेयु। दुस्पृष्टश्चेति विज्ञेयु लृकारः प्लुत एव च। ये पाणिनीय शिक्षा की पंक्तियां हैं, पाणिनीय शिक्षा के पद्य हैं दोनों। इन दोनों पद्यों के माध्यम से हमें पाणिनीय शिक्षा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइए इन दोनों पद्यों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, वर्णमाला समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा है कि पाणिनि ने जो 63 या 64 वर्ण बताए उनमें विंशति ही एकश्च स्वराः। विंशति का अर्थ होता है 20, एकश्च अर्थात एक, 20 और एक 21। तो एक विंशति स्वराः, स्वर कितने हो गए 21, विंशति और एक अर्थात 20 और एक 21। सबसे पहली बात ये कि 63 या 64 वर्णों में से स्वरों की संख्या है 21। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्शानाम पंचविंशति और 25 स्पर्श वर्ण है, तो स्वर हो गए 21 और स्पर्श हो गए 25। इसके बाद यादयश्च स्मृता हेष्टो यादय, ये आदि वर्ण, उन्हें यादि कहते हैं। और ये आदि वर्णों की संख्या है अष्टो, आठ, यण संधि है ही अष्टो, ई के स्थान पर ये होगा, आठ यादि वर्ण कहते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं यादि आठ? चारों अंतस्थ और चारों ऊष्म, अर्थात ये वरल शशशह, इन आठों वर्णों को कहते हैं यादि। तो 21 तो स्वर, 25 स्पर्श और 8 यादि। अभी मैं आपको सारे वर्ण अलग अलग लिखाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम पद्य को समझते हैं, उसके बाद मैं पूरी वर्णमाला का चार्ट बनाऊंगा। यादि वर्ण 8, उसके बाद आया चत्वारश्च यमा स्मृता, और चार यम वर्ण माने गए। कौन कौन से होते हैं परिभाषा के साथ, व्युत्पत्ति के साथ बताऊंगा। आप 5 मिनट वेट करें, मैं ये पद्य पहले समझा दूं। चत्वारश्च यमा स्मृता और चार यम वर्ण माने गए। अनुस्वार विसर्गश्च, इसके अलावा एक अनुस्वार और एक विसर्ग, और कपौ चापि पराश्रितो, क और प, ये दो पराश्रित वर्ण। क के पहले ये जो चिन्ह है अर्धविसर्ग का चिन्ह है, और प के पहले जो अर्धविसर्ग का चिन्ह है, ये दोनों अर्धविसर्ग के चिन्ह क्रमशः उपदमानी, क्रमशः जीवामूलीय और उपदमानीय कहलाते हैं। जीवामूलीय उपदमानीय की क्या परिभाषा है ये मैं आपको अभी लिखाऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल इतना जान लें कि ये चिन्ह है जीवामूलीय और ये चिन्ह है उपदमानीय, और इन दोनों को पाणिनीय शिक्षा में संज्ञा दी गई है पराश्रित वर्णों की। इसके बाद दुस्पृष्टश्चेति विज्ञेयु, एक वर्ण ऐसा है पाणिनीय शिक्षा में जिसे कहा है दुस्पृष्ट, कौन सा है अभी उसकी चर्चा करेंगे। और लृकार प्लुत एव च, और प्लुत लृकार, इस इन सब वर्णों को मिलाकर पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या होती है 64। लृकार प्लुत एव च, यदि प्लुत लृकार को शामिल करते हैं तो 64 च आए अर्थात विकल्प से हैं। यदि प्लुत लृकार को नहीं मानते हैं, इसकी गणना नहीं करते हैं, तो वर्णों की संख्या अपनी हो जाती है 63। अब देखो 21 स्वर और 25 स्पर्श, 25 और 21 कितने हो गए 46। इसके बाद 8 यम यादि, 46 और 8 हो गए 54। चत्वारश्च यमा स्मृता, 4 यम, 54 और 4 58। अनुस्वार और विसर्ग दो जोड़ेंगे तो 60, और क पौ चापि जीवामूल्य उपदमानी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 2 62, और एक दुस्पृष्ट वर्ण, ये हो गए 63। अब यदि लृकार को शामिल करते हैं प्लुत लृकार को, तो 64 हो जाएंगे, और प्लुत लृकार को शामिल नहीं करते हैं तो ये संख्या 63 रह जाएगी। अब स्पर्श क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, स्वर क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, यादि की क्या परिभाषा है, यम किसे कहते हैं, इन सब बातों को हम
अलग अलग विध परिभाषा विध उदाहरण पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम वर्णमाला के सूक्ष्म विवेचन की तरफ बढ़ते हैं, वर्णों की परिभाषा और संख्या और उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्श किसे कहते हैं, यम किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, कौन कौन से वर्ण यम के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से वर्ण दुस्पृष्ट कहलाते हैं, कौन से वर्ण यादि कहलाते हैं, और स्वरों की संख्या 21 कैसे हुई, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। चूंकि सर्वप्रथम इस वर्णमाला में स्वरों का वर्णन है, तो सर्वप्रथम हम स्वरों के विषय में चर्चा करते हैं। इन सब वर्णों को अलग अलग परिभाषा पढ़ने से पहले, जो हमने अभी 63 या 64 वर्ण पद्य के माध्यम से पढ़े थे, एक बार उनका चार्ट बना लेते हैं ताकि आपके मस्तिष्क में मोटी मोटी जानकारी रहेगी कि 63 या 64 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जो पाणिनीय शिक्षा से संबंधित वर्णमाला है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लें कि इसमें वर्णों की संख्या है 63 या 64। अब ये जो 63 या 64 वर्ण हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन 63 या 64 वर्णों में सर्वप्रथम आते हैं स्वर। स्वरों की संख्या बताई गई है 21। इसके बाद आते हैं स्पर्श, और स्पर्श की संख्या बताई गई है 25। इसके बाद यादि वर्ण आते हैं, और यादि वर्णों की संख्या बताई गई है 8। अभी जो हमने पद्य पढ़े उसी के अनुसार हम ये चार्ट बना रहे हैं। यादि के बाद यम वर्णों का उल्लेख हुआ, और यम वर्णों की संख्या बताई गई है 4। उसके बाद अनुस्वार का उल्लेख हुआ, अनुस्वार की संख्या है 1। उसके बाद विसर्ग का उल्लेख हुआ, और विसर्ग की संख्या भी 1 है। इसके बाद पराश्रित वर्णों का उल्लेख हुआ, और पराश्रित वर्णों की संख्या बताई गई है 2। अब यहाँ पर जो पराश्रित वर्ण बताए 2, और उसके बाद एक वर्ण बताया दुस्पृष्ट, दुस्पृष्ट दुस्पृष्ट वर्ण की संख्या बताई अपने को 1, और अंत में जो हमें बताया वो बताया प्लुतल रिकार। ये जो दुस्पृष्ट वर्ण है, इस दुस्पृष्ट वर्ण के बाद लृकार, प्लुत लृकार, ध्यान रहे प्लुत लृकार, और प्लुत लृकार की संख्या है 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरे 63 या 64 वर्णों का उल्लेख किया गया, उस पद्य के आधार पर यह चार्ट बनाया। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो 21 स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 8 प्लुत, इन तीनों को मिलाकर संख्या हो गई 21। ह्रस्व के वेद हमने 5 पढ़े थे, दीर्घ के वेद हमने 8 पढ़े थे, और प्लुत के वेद हमने 8 या 9 पढ़े थे। 21 स्वरों में 8 प्लुत होंगे, और स्वरों की संख्या 22 मानेंगे तो फिर उसमें 9 प्लुत होंगे। तो 5 + 8 + 8 इस तरह से हो गए 21। जो 25 स्पर्श वर्ण हैं, इन 25 स्पर्श वर्णों में कु, चू, टू, तू, पू,
ये जो 25 स्पर्श वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 25 वर्णों को कहते हैं स्पर्श। उसके बाद आते हैं यादि। जो ये यादि वर्ण हैं आठ, इन आठों यादि वर्णों में चार तो आते हैं अंतस्थ और चार आते हैं ऊष्म। अंतस्थ प्लस ऊष्म याद इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वर्णों का प्रारंभ ऐसे होता है, ये वर ल स स स, तो प्रथम वर्ण ये है इसलिए इसको यादि कहते हैं। आदि में ये आ रहा है इस कारण यादि कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं यम वर्ण। यम वर्णों में दो तरह की मान्यताएं अलग अलग, अभी उसके चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि यम वर्णों में, उदाहरण स्वरूप में ले रहा हूं, एक उदाहरण है पलिक्ने, एक उदाहरण है चखनतु, एक उदाहरण है अग्नि और एक उदाहरण इसका घ्नन्ति। डबल घकार है यहाँ, डबल घकार है यहाँ, डबल खकार है और यहाँ पर डबल ककार है। कैसे होते हैं, क्या परिभाषाएं, अभी हम चर्चा करेंगे। एक अनुस्वार है और अनुस्वार आप जानते हो, ये जो ऊपर डॉट लगता है इसे अनुस्वार कहते हैं, किसी भी स्वर के ऊपर। और एक विसर्ग है, ये विसर्ग है। दो पराश्रित वर्ण हैं और दो पराश्रित वर्णों में एक तो आता है क और एक आता है ख। एक दो स्पृष्ट वर्ण हैं, ये जो दो स्पृष्ट वर्ण हैं, दो स्पृष्ट वर्ण से तात्पर्य हैं ल। ध्यान से सुनिएगा, ल, एक तो होता है ल और एक होता है ल। जैसे वह कहां का रहने वाला है, वाड़ा, ये वाड़ा ल, इस ल को कहते हैं संस्कृत में दो स्पृष्ट। अब इसका लेखन कैसे होता है, दुष्पृष्ट वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, उच्चारण कैसे होता है ये मैंने आपको भी बताया है। ल का ही विकृत रूप है एक तरह से, संरचना की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से ल के समान दिखाई देता है, लेकिन चूंकि वह ल नहीं है, वह ड का विकृत रूप है। ड अभी बताऊंगा कैसे है, पहले मैं उच्चारण समझाता हूँ फिर आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। एक तो ल और एक होता है ल, ल, ठीक है, वाला, एला, वेला, इस तरह से ल। अब इसका लेखन कैसे होता है, सिंपल ल को तो हम ऐसे लिख देते हैं ल, लेकिन जो ल है इसका लेखन होगा इस तरह से। ये पाणिनीय वर्णमाला में ही उपलब्ध है, माहेश्वरी परंपरा में, माहेश्वर सूत्रों में और एनसीईआरटी की बुक्स में इस वर्ण का कोई उल्लेख नहीं। उसके बाद आता है प्लुत लृकार। प्लुत लृकार से मतलब है कि जो लृ वर्ण है इसको अगर त्रिमात्रिक कर दिया जाए तो ये कहलाता है प्लुत लृकार। तो साथियों ये 63 या 64 वर्णों का विश्लेषण था, कौन कौन से वर्ण किस श्रेणी में आते हैं ये सारी चीज़ आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध हैं। 63 या 64 वर्णों को कितने भागों में बांटा है ये भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, किस भाग के अंतर्गत कितने कितने वर्ण आते हैं ये भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, और कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं, उपलब्ध हैं। अब सबसे पहले तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ऐसे कैसे नोट कर लें पोज करके, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि यम वर्ण किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, फिर इनकी परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो बात हुई वर्णों की संख्या की और वर्णों के विभाजन की, कौन कौन से वर्ण किस किस श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। साथियों यहाँ पर परिभाषा की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं स्वरों से।
सबसे पहला जो अपना विभाग है पाणिनीय वर्णमाला का, चूंकि वह स्वरों से प्रारंभ होता है, इस कारण हम सबसे पहले स्वरों की परिभाषा पर विचार करते हैं, फिर उसके विभाजन पे चलेंगे। स्वरों की परिभाषा से तात्पर्य हैं, सबसे पहले तो देखो स्वर किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है अच स्वरा। इसका अर्थ ये हुआ कि अच प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्णों को स्वर कहते हैं। अयुण रिलरिक एओं एओच, इन चारों सूत्रों में जो वर्ण आते हैं वो स्वर कहलाते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार का मतलब अ से लेकर च तक, और इसमें जो स्वर आते हैं वह हैं नु। लेकिन पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है हमें? 21। ये 21 क्यों बताई गई है? क्योंकि जो प्रत्येक स्वर है उस प्रत्येक स्वर के तीन भेद होते हैं सामान्य रूप से, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। पाणिनीय शिक्षा में उन तीनों भेदों को जोड़ दिया गया, 5 ह्रस्व 8 दीर्घ और 8 प्लुत, और तीनों को मिला के बता दिया 21। यहां पर ये जानना जरूरी है कि प्रत्येक स्वर के तीन भेद कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व 5 प्लस दीर्घ 8 प्लस प्लुत 9। ये जो प्लुत 9 है, जब लृकार को प्लुत मानते हैं तो इनकी संख्या 9 होती है, और यदि लृकार को प्लुत नहीं मानते तो इनकी संख्या 8 रहती है, और तीनों को जोड़ने के बाद वर्ण स्वर हो जाते हैं 21। अब ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, और प्लुत किसे कहते हैं? इस संबंध में एक परिभाषा है एक पद्य के माध्यम से कि एकमात्र भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्चते। एकमात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः, व्यञ्जनश्चार्धमात्रिकम्। ये जो पद्य हैं इस पद्य में तीनों भेदों की परिभाषा बताई है, ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो एकमात्रो भवेद ह्रस्व, जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व कहलाता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, जिस स्वर को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः, जिस स्वर को बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है वह प्लुत कहलाता है। और व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम्, और जिस वर्ण को बोलने में मात्र आधी मात्रा का समय लगता है उस वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। चूंकि हम यहां बात कर रहे हैं स्वरों की, एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व कहेंगे, द्विमात्रिक को दीर्घ कहेंगे, त्रिमात्रिक को प्लुत कहेंगे। तो यहां पर हम लेते हैं कि जो एक मात्रिक स्वर है वह है ह्रस्व, और इनकी संख्या है 5। कौन कौन से? अ ई उ रील री। इसके बाद द्विमात्रिक स्वर, जिन स्वरों को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है वह स्वर कहलाते हैं दीर्घ, और इनकी संख्या है 8। कौन कौन सी है? अ का दीर्घ है आ, ई, उ का दीर्घ उ, री, लृकार का दीर्घ नहीं होता ए, ओ, ऐ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर हैं। और इसके बाद बारी आती है त्रिमात्रिक स्वरों की, तो त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं प्लुत, और इनकी संख्या 8 या 9 है। इसमें अ का प्लुत रूप होगा, अ त्रिमात्रिक स्वर होता है इसलिए इसके पीछे 3 का अंक जोड़ दिया जाता है, यही 3 का चिन्ह इस प्लुत स्वर की पहचान है। ई, ये चिन्ह आप ह्रस्व के पीछे भी जोड़ सकते हैं और दीर्घ के पीछे भी जोड़ सकते हैं, वर्ण एक ही माना जाएगा। उ, री, ल्री, ए,
औ। ये जो सभी नौ को हमने प्लुत बनाया है, इनमें से जो लरी हैं यह विकल्प से प्लुत माना गया। अभी हमने जो पाणिनीय वर्णमाला का जो पद्य पढ़ा था, दो पद्य पढ़े थे, उनमें लास्ट में लिखा हुआ है लृकार प्लुत एवच, लृकार को विकल्प से प्लुत मानते हैं। यदि प्लुत मानेंगे तो नौ हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो आठ रह जाएंगे। ये स्वरों का विश्लेषण हुआ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये तो बात हुई स्वरों की। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। स्वरों के बाद दूसरे वर्ण आते हैं स्पर्श, और स्पर्श वर्णों की जो परिभाषा है, स्पर्श वर्णों की परिभाषा सिंपल है, आप भी निश्चित रूप से उसको जानते हैं। कहा जाता है कि क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं वह सब स्पर्श कहलाते हैं, और इसके विषय में कहा है कि कादयो मांसाना स्पर्शा। क से लेकर म तक, क आदय आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, क से प्रारंभ करके म अवसान, म पर समाप्ति, अर्थात क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं वो सब कहलाते हैं स्पर्श। इनकी संख्या है 25। इसमें पांचों वर्ग आ जाते हैं, क ख ग ग ङ, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ड ण, त थ द द न, और प फ ब व म। इसके बाद ये दूसरा अवयव था अपना, सबसे पहले स्वर लिए, उसके बाद हमने लिए स्पर्श। पाणिनीय शिक्षा में तीसरे नंबर पर आता है यादि। यादि में चारों तो अंतस्थ वर्ण आते हैं, ये वरल प्लस चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, और ऊष्म वर्ण हैं श श श। इसके बाद चौथे नंबर पर उसमें आया था यम। ये यम वर्ण क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यम वर्णों के संबंध में दो अलग अलग आचार्यों ने दो अलग अलग मत प्रस्तुत किए। इसमें प्रथम उल्लेखनीय मत है आचार्य उवट का, और दूसरा उल्लेखनीय मत है आचार्य भट्टोजी दीक्षित का। आचार्य उवट ने जो यम वर्णों की परिभाषा दी है, उसने कहा है कम खम गम घम इत्यादयः यमा। उवट ने जो चार यम वर्ण माने हैं वो माने कम खम गम घम। तो यहाँ पर ये चार यम वर्ण हैं कम खम गम घम। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने ऋक् प्रातिशाख्य के मत का उल्लेख किया है, और ऋक् प्रातिशाख्य में जो यम वर्णों की परिभाषा दी गई है वह उवट के मत से नितांत भिन्न है। उसमें कहा है वर्गेशु आद्यानाम। भट्टो दीक्षित का मत देखिए आप कि वर्गेशु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे वर्गेशु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे मध्ये यमो नाम वर्ण प्रातिशाखेषु
प्रसिद्ध। ये आचार्य भट्टोजी दीक्षित का मत है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ये कहते हैं, समझना ध्यान से इसको, यही वास्तव में मुख्य वर्ण है। उवट का मत इतना प्रचलित नहीं है, इतना मान्य नहीं है, जितना भट्टोजी दीक्षित और ऋक् प्रातिशाख्य का मत है। इसमें कहा है कि वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम, प्रत्येक वर्ग के जो प्रारंभिक चार वर्ण हैं, आद्य यानी प्रारंभिक, प्रारंभिक चार वर्ण जैसे क वर्ग है, तो इसके प्रारंभिक चार वर्ण कौन कौन से होंगे? क ख ग घ, ये जो चारों प्रारंभिक वर्ण हैं, इन चारों प्रारंभिक वर्णों के बाद यदि पंचमे परे, इनके बाद यदि पंचमाक्षर आ जाए, पंचमाक्षर का अर्थ है ये मण न, पांचों अनुनासिक वर्ण, यदि उनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाता है तो बीच में यमो नाम वर्ण, यम नाम के एक वर्ण का आगम हो जाता है। ऐसा प्रातिशाख्य सुप्रसिद्ध, ऐसा प्रातिशाख्य ग्रंथों में प्रसिद्ध है। कौन कौन से वर्ण और कैसे आते हैं, इनका उदाहरण लेना पड़ेगा अपने को, तब जाके समझ में आएगा। इससे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको ये उदाहरण के साथ बताता हूं। इसमें मुख्य बात यह है कि वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण अर्थात क ख ग घ, यदि इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए और उसके बाद फिर पंचमाक्षर आ जाए, वो पंचमाक्षर किसी भी वर्ग का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसी वर्ग का हो। यदि पंचमाक्षर आ जाता है तो बीच में उसी के समान एक वर्ण और आता है, उसको कहते हैं यम वर्ण। जैसे उदाहरण है पलिकनी, ये जो है, अब यहां पर देखो आप, ये जो क है ये वर्ग का प्रथमाक्षर है, इसके बाद न पंचमाक्षर आया, तो इस प्रथमाक्षर और पंचमाक्षर के बीच में पूर्व सदृश वर्ण लिखा है अपन ने, इस पहले वाले के समान एक और वर्ण आ जाता है और ये वर्ण कहलाता है यम। तो पलिकनी में यम वर्ण कौन सा है? द्वितीय ककार। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण में ले रहा हूं चकनतु, ख द्वितीयाक्षर है, क ख, इस द्वितीयाक्षर के बाद यहां पर न था जो पंचमाक्षर है, तो बीच में ये जो पहले वाला वर्ण है ख, इसी के सदृश एक और वर्ण आ गया ख, ये कहलाएगा यम। तीसरा देखो आप अग्नि, एक शब्द है ग, तृतीयाक्षर है क ख ग, इसके बाद पंचमाक्षर आया, तो इस तृतीयाक्षर के सदृश एक वर्ण और आ गया और ये जो वर्ण आया ये कहलाएगा यम। चौथा है गणंती, अब यहां पर घ क ख ग घ चतुर्थाक्षर है, इसके बाद पंचमाक्षर आया, तो एक चतुर्थाक्षर का आगम और हुआ और जो चतुर्थाक्षर आया घ वह कहलाएगा यम। तो साथियों यम वर्ण के विषय में ध्यान रखेंगे कि प्रथम चार वर्णों के बाद यदि पंचमाक्षर आता है तो बीच में पहले वाले के समान एक और वर्ण का आगम होता है, जिसे हम यम वर्ण कहते हैं। ठीक, यम वर्ण के बाद हम चलते हैं अनुस्वार और विसर्ग की तरफ। आगे उसमें कहा था यहां तक आते आते अपने चार प्रकार के वर्ण कंप्लीट हो गए, पांचवा वर्ण था अनुस्वार। स्वरम अनुकरोति इति अनुस्वार, ये अनुस्वार की परिभाषा है, जो स्वर का अनुकरण करता है उसे अनुस्वार कहते हैं, स्वर के पीछे पीछे चलता है, स्वर के बाद में जो बिंदु लगाते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। किसी हलंत व्यंजन के ऊपर कभी अनुस्वार नहीं लगता, वो स्वर के ऊपर ही लगेगा, जिस व्यंजन में स्वर होगा उसी के ऊपर अनुस्वार लगेगा और इसका चिन्ह आपको पता है। इसके बाद छठा अवयव आता है अपना विसर्ग, और विसर्ग के विषय में कहा है इसकी व्युत्पत्ति है कि विसृज्यते वाक्यम अनेन इति विसर्ग, अनेन जिसके द्वारा,
अनेन जिसके द्वारा वाक्यम विसृज्यते वाक्य का सृजन किया जाता है इति विसर्ग उसको विसर्ग कहते हैं और विसर्ग के रूप में इन दो बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद जो सातवां अपना वर्ण है वो है पराश्रित। पराश्रितो पराश्रित वर्ण दो हैं, एक तो जीवामूलीय और दूसरा उपदमानीय। जीवामूलीय वर्ण दो होते हैं क और ख, और जीवामूलीय वर्ण भी दो होते हैं प और फ। चूंकि इस चिन्ह को जीवामूलीय कहते हैं तो चिन्ह तो एक ही है, एक तो जीवामूलीय वाला और एक उपदमानीय वाला, तो एक और एक दो, ये पराश्रित वर्ण हो गए दो। अब जीवामूलीय किसे कहते हैं, इसके क्या परिभाषाएं, और उपदमानीय किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषाएं, ये देखते हैं। आप इसको नोट कर लें। अब यहां पर जीवामूलीय और उपदमानीय की परिभाषा लेते हैं। जीवामूलीय के विषय में अभी हमने थोड़ा सा जाना है कि क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह आता है उसको जीवामूलीय कहते हैं, और यदि वही चिन्ह प और फ से पहले आ जाता है तो इसे उपदमानीय कहते हैं। तो यहाँ पर जीवामूलीय व उपदमानीय इन दोनों की परिभाषा में एक साथ ले रहा हूँ। कहा है कि कखाभ्याम प्राक, कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः वर्णः जीवामूलीय। क और ख से पहले कखाभ्याम प्राक, क और ख से पहले अर्ध विसर्ग जैसा वर्ण जीवामूलीय कहलाता है। और आगे कहा है कि पफाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः वर्णः उपदमानीय। प और फ से पहले अर्ध विसर्ग जैसा वर्ण उपदमानीय कहलाता है। क और ख से पहले अर्ध विसर्ग लगाएंगे तो ये जीवामूलीय कहलाएगा। इस तरह से ये अर्ध विसर्ग है, देखिए ये पूर्ण विसर्ग है, इसको हम आधा कर देते हैं, नीचे से भी आधा कर देते हैं इस तरह से, और ऊपर से भी आधा कर देते हैं। तो ये जो चिन्ह हुआ ये अर्ध विसर्ग कहलाया, इसको क ख से पहले लगाएंगे तो ये जीवामूलीय कहलाएगा। और यदि इसी चिन्ह को हम प और फ से पहले प्रयुक्त करेंगे तो ये कहलाएगा उपदमानीय। ये परिभाषा हुई जीवामूलीय और उपदमानीय की। यदि प्रश्न आता है कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण किम कथ्यते, प क और ख से पहले अर्ध विसर्ग जैसा वर्ण क्या कहलाता है, तो उत्तर होगा जीवामूलीय। यही प्रश्न प फ के संदर्भ में आ जाता है तो फिर आपका उत्तर होगा उपदमानीय। अब यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी तक स्वर पढ़े, स्पर्श पढ़े, यादि पढ़े, यम पढ़े, अनुस्वार पढ़ा, विसर्ग पढ़ा, और उसके बाद फिर पराश्रित पढ़े। ये सात प्रकार के वर्ण हमने पढ़े। अब एक वर्ण बाकी अपने, और वह है द्विस्पृष्ट वर्ण। द्विस्पृष्ट वर्ण क्या होता है, ये जो आठवां और अंतिम वर्ण है अपना द्विस्पृष्ट। द्विस्पृष्ट की परिभाषा देखो आप, द्वयोश्चास्य स्वयोर मध्यम, द्वयोश्चास्य स्वरयोर मध्यम, अर्थात दो स्वरों के बीच में। एते संपद्यते संपद्यते
डकार स लकार ये इसके परिभाषा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है द्वयोः स्वरयोः मध्यम, दो स्वरों के बीच में, यदि दो स्वरों के बीच में कोई डकार आता है तो स वह ड लकार संपद्यते लकार बन जाता है दो स्वरों के बीच में। कैसे? जैसे एक शब्द है इडा, इडा का अर्थ होता है पृथ्वी। अब यहां पर ई स्वर है और आ स्वर है, इन दोनों के बीच में ड आया तो इस ड का उच्चारण लकार के रूप में होगा, इसलिए हम कहते हैं इड़ा। आप निश्चित रूप से पढ़ा होगा इड़ा न देनी आपनी, पंक्तियां आती है हिंदी साहित्य में इड़ा, तो मुख्य उच्चारण उसका इड़ा है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ स्वर है तो वह ड के स्थान पर ल उच्चारण हो जाता है। ये इसका प्रथम उदाहरण हुआ। द्वितीय उदाहरण इसका देखो आप, जैसे अग्नि सूक्त का एक मंत्र है अग्निम ईले, अग्निम ईले पुरोहितम होतारम रत्नदाततम, इस तरह से अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र है ये ईले। ये निश्चित रूप से आपको शब्द वहां पर मिलता है, वास्तव में इसका शब्द है ईडे, किंतु ई स्वर है और ए स्वर है, उनके बीच में ड आ रहा है इसलिए ड के स्थान पर लकार हो जाता है, जिसे हम द्विस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। द्विस्पृष्ट क्यों कहते हैं? दुर उपसर्ग है जिसका अर्थ है कठिन कठोरता पूर्वक, और स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श किया हुआ। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा और तालु दोनों एक दूसरे को कठोरता पूर्वक स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम द्विस्पृष्ट। तो दो स्पष्ट वर्णों की संख्या कितनी है? एक। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद साथियों जो अपना नवा वर्ण था वह था प्लुतलृकार। इसकी चर्चा हम प्लुत वाले टॉपिक में कर चुके। इस तरह से ये वर्ण हैं, ये वैकल्पिक हैं, इसके अगर गणना करते हैं तो वर्णमाला में संख्या हो जाती है 64, और गणना नहीं करते हैं तो ये संख्या रह जाती है 63। साथियों ये आज हमने पाणिनीय वर्णमाला का गहनता के साथ सूक्ष्म विवेचन के साथ अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर वर्णमाला से संबंधित समस्त जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी होगी। यदि परीक्षा की दृष्टि से वर्णमाला से संबंधित कोई भी संशय आपके मन में था तो वह यहाँ पर निश्चित रूप से दूर हो गया होगा। एक एक बिंदु को मैंने परीक्षा की दृष्टि से समझाकर स्पष्ट किया है, क्या प्रश्न आता है तो आपको क्या उत्तर देना है। मैं समझता हूँ कि आप इससे पूर्णतः सहमत संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं, निश्चित रूप से मैं उसका सटीक उत्तर देने का प्रयास करूँगा। साथियों ये जो उपयोगी जानकारियाँ कक्षाओं में दी जा रही हैं ये अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे, अधिक से अधिक छात्रों का लाभ हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप में से किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये अपना यूट्यूब चैनल है संस्कृत बाई ब्रजेश गौतम, तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारियाँ परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें। आप सभी ने एक क्लास ली, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।